मम्मी मगर का है, कहाँ है मगर? मगर बोल रहा सामने। हाँ मगर है, जगह बदल रहा है। जी जी जी, मगर है बिल्कुल। कब से जगह बदल रहा है मैं देख रहा हूँ, कभी इधर जा रहा है कभी इधर। हाँ देखिए वो मैया के बीचों बीच वो शिला है, वहाँ पर मगर सोया हुआ है। और दोपहर के अभी 3 बजे और मोरिया के इस आश्रम से, बहुत ही सुंदर आश्रम है, मिलिट्री एरिया, और यहाँ से हम आगे बढ़ रहे, और बहुत ही अच्छा आश्रम है मैया के किनारे पर। ये जो आश्रम है, इस आश्रम का अभी तक नाम नहीं है, नर्मदे हर आश्रम ऐसा लिखा हुआ है। हमने नाम पूछा तो नाम भी नहीं है, और हमने इसका नामकरण रखा देशभक्ति आश्रम, क्योंकि यहाँ पर देखिए गेट से जैसे निकलते तो गेट पर ही कलर तिरंगा, फिर अंदर आर्मी वालों का टैंक बनाया हुआ, फिर सभी क्रांतिकारियों के वहाँ पर चित्र, और ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे स्कूल है या कोई देशभक्ति केंद्र है। और यहाँ पर अभी सो के उठे, रवाना होने से पहले मैया ने दर्शन भी दिए, मैया की सवारी के दर्शन हुए मगर देव के। और मुख्य मार्ग से 200, 300 या 400 मीटर के आसपास होगा आश्रम, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं आता है। हाँ यहाँ पर मुश्किल से परिक्रमावासी आते, इतना अंदर कौन आए। और यहाँ पर देखिए नर्मदा परिक्रमा मार्ग ऐसे जो बोर्ड है वो गुजरात के नर्मदा जिले में लगाए हुए, उस तट पर भी इस तट पर भी, और ये सरकारी बोर्ड है, गवर्नमेंट की तरफ से लगाए गए, सिर्फ भरूच जिले में बाकी है और वडोदरा जिले में नहीं है। और सामने आ गया मोरिया गांव, क्या बोल रहे खंभों के बारे में? हाँ, एक कमेंट आई थी कि भाई एमपी में भी सीमेंट के खंभे होते हैं, मगर उसमें ऐसा है कि जो एमपी में खंभे होते हैं वो सीमेंट के होते होंगे मगर पूरे होते हैं, इसी तरह इसी ये क्या बोलते हैं इसको, खाली जगह नहीं होते, सीढ़ियों की तरह। ऊपर लोहे का पोर्शन आ जाता है। हाँ भाई कमेंट जरूर करे यार, कुछ भी लिखे कमेंट करे, कमेंट से हमारा हौसला बढ़ता है और अच्छा लगता है। सबके कमेंट पढ़ते हैं, उनके जवाब भी देते हैं, और हाँ मैं भी देता हूँ, साथ में गणपत जी भी देते, और इनकी आईडी का नाम है गौतम दियोरा बराबर, इसलिए वो क्या बोलते उसमें मत रहना कि ये कौन है, ये गौतम नाम से गणपत जी ही है। नर्मदे हार, नर्मदे हार। और मोरिया गांव को पार करते हैं तो यहाँ से राइट की तरफ दूसरा गांव आता है मोरा गांव। चलिए चलिए भाई मोरा गांव की तरफ, और ये है हमारा परिक्रमा पथ, नल गांव और मोरा दोनों गांव है। चलो और शाम के अभी 4 बजे और नल गांव के इस सिदानंद आश्रम से चाय प्रसाद पाकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ से 3 किलोमीटर क्या चंद्र सूर्यश्वर आश्रम है। और मोरिया के बाद 1.5 से 2 किलोमीटर पर नल गांव आता है, और नल गांव के बाद 1-2 किलोमीटर पर मोरा गांव आता है, और मोरा गांव को पार कर हम ये खेतों के रास्ते से घुसे।
यार ढलान में है तो गणपत जी ने भी रास्ता बना दिया और मैंने ये खाई कूद दी। जल्दी जल्दी चलो, और गोधन के पीछे चलते चलते हम पहुंच गए अश्विनी नदी के किनारे। ये जो नदी है इसका नाम अश्विन नदी है और यहाँ से इसको पार करना होगा भाई। हाँ रुको रुको, ये ढलान है तो बेचारी कंट्रोल नहीं कर पाती है। डराओ मत यार। और यहाँ से कहाँ से पार करना हमें भैया, कहाँ पर सीधा करो फिर। चलो भाई इधर से गांव को, गायों के पास से। अश्विनी मैया, और यहाँ पर अश्विनी मैया के तट पर ये पत्थरों के ढेर क्यों लगा रखे लोगों ने। चलिए पार कीजिए भाई, इधर 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 इधर, ओ दादा इधर इधर ऊपर। ऐसा है ठीक है फिर इधर जा। हाँ हाँ तो बोर्ड लगा हुआ है वहाँ पर, झंडी भी लगी हुई है। ठीक है, और वह सामने से हम आए और इस नदी का नाम है अश्विनी और इसे पार करते तो ये रास्ता है और यहाँ से तिलकवाड़ा 3 किलोमीटर लिखा हुआ है। चलिए भाई हटो साइड से, बीसों बीस घूम रहे हो। और ये आ गया सूढ़ेश्वर गांव। तो लखेलो जन सूढ़ेश्वर तो है वो अंदर ना आवे क्या तारा भला करे। और सूढ़ेश्वर गांव को पार कर ये तिलकवाड़ा के रास्ते पर बढ़ रहे और यहाँ पर सूढ़ेश्वर मंदिर भी है गांव से बाहर, थोड़ा साइड में जाना पड़ता है मगर छोटा सा मंदिर है। और शाम भी होने वाली है तो हम अभी तिलकवाड़ा ही जाते। शाम के अभी 5:30 बजे और सूढ़ेश्वर से तिलकवाड़ा वाला रास्ता पूरा सुनसान है मगर जगह जगह पर ये जो झंडियाँ लगी हुई है ये एहसास करवाती रहती है कि हम सही मार्ग पर हैं, क्योंकि बीच बीच में पगडंडियाँ बहुत आती हैं। और तिलकवाड़ा अभी बस पास में ही है। और फाइनली थक हार कर हम इस पक्की सड़क पर पहुंचे शाम के 6:45 बजे। और ये बोर्ड इधर रघुवीर रन क्षेत्र माँ नर्मदा मैया प्रकिमासी सेवा तीर्थ रमणेश्वर महादेव। और यहाँ पर क्या है भाई, मस्जिद है। चलिए तो इधर रमणेश्वर, ओ देखिए मैया के किनारे पहुंच गए भाई, ये सामने नर्मदा मैया। और भी कुछ दिखा था इधर आइए आ जाओ। अरे देखिए देखने लायक चीज है वो सामने, वीणा बहन का आश्रम।
अद्भुत, अभी याद ही किया था। हाँ अभी याद किया था और बिना बहन का आश्रम दिखा। चलो नर्मदे यार सहरा हो, सामने की तट पर सहरा है। और ये पहुंचे हम तिलकवाड़ा, और जैसे ही तिलकवाड़ा में प्रवेश करते हैं, पिछली बार हम यहाँ रुके थे, ये अनक्षेत्र है। नर्मदा परिक्रमा वासियों का स्वागत है, आ जाइए भाई। तिलकवाड़ा में आगे भी बहुत आश्रम है, मगर अब तो हम थक गए पूरी तरह से, यहीं प्रवेश करेंगे। आ जाओ, दो तीन जोड़ी तो और पड़ी है जूतों की। झाड़ू ले लो और करो सफाई। और शाम के अभी 8:30 बजे, और आज हमने विश्राम, रात्रि विश्राम हमारा तिलकवाड़ा में। और आज की यात्रा होती है हमारी 17 से 18 किलोमीटर कुबेर भंडारी से तिलकवाड़ा। तो आज की वीडियो को यहीं पर विराम देते, मिलते नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नर्मदे हर, नर्मदे हर।